हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज मैं बताने वाला हूँ कि कुवैत की हाई सैलरी, यानी कि कुवैत में आप किस काम में जाएंगे तो आपकी सैलरी ज़्यादा मतलब मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि सबसे मतलब बड़ा अभी इस टाइम में वर्ल्ड में सबसे बड़ा पैसा कुवैत का है, ठीक है ना। इसलिए कि अभी कुवैत की करेंसी 250 के लमसम है, यानी कि एक रुपया कुवैत का अगर 1 रुपया भेज रहे हैं तो इंडिया का 250 रुपया बन रहा है, समझ लीजिए, ठीक है। अगर 100 रुपया कुवैत में कमा रहे हैं तो आपका सैलरी 25,000 बन रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि मैं बता रहा हूँ कि जो भी हमारे भाई लोग जो भी हमारे भाई लोग हैं, फ्रेशर हैं और बीटेक किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ठीक है ना, खासतौर में पॉलिटेक्निक से ऊपर है, पॉलिटेक्निक है, बीटेक है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक और बीटेक करके आप मतलब लेबर में मत आइएगा सऊदी, दुबई, कुवैत, ठीक है ना। आप लोग एक काम कीजिएगा, पॉलिटेक्निक और बीटेक किए हैं तो आप इंडिया में क्या कीजिएगा कि 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, ठीक है ना। 2 साल या 3 साल का इंडिया में कहीं पे भी आप काम कर लीजिए, ठीक है ना। कोई कंपनी में जाकर आप एक्सपीरियंस बना लीजिए, ठीक है ना। एक्सपीरियंस बनाने के बाद से आप खूब अच्छा सा अपना बायोडाटा बनाइए, और बायोडाटा बनाने के बाद सीवी अपना बनाइए। सीवी बनाने के बाद से आप मुंबई चले जाइए, ठीक है ना, पासपोर्ट बनवाकर। मुंबई जाने के बाद से आप डायरेक्ट लगाइए डायरेक्ट सुपरवाइज़र में लगाइए, ठीक है ना, फोरमैन या सुपरवाइज़र में, ठीक है ना। कोई भी कंपनी में या तो पेंटिंग फोरमैन है, या इसका फोल्डिंग फोरमैन है, ठीक है, या मैकेनिकल फोरमैन है, डक्टिंग फोरमैन है, ठीक है, बिल्डिंग फोरमैन है, डायरेक्ट फोरमैन या सुपरवाइज़र में आप लगाइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके पास बीटेक है और पॉलिटेक्निक है तो। क्योंकि सुपरवाइज़र में डिप्लोमा मांग, आज के डेट में डिप्लोमा मांग रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सी कंपनी है कि गल्फ का एक्सपीरियंस मांगती है, ठीक है ना, और बहुत सी कंपनी है मतलब मान के चलिए कि 40% कंपनी गल्फ का एक्सपीरियंस मांगती है, तो उसमें 60% कंपनी भी है जो फ्रेशर ही लेती है, क्योंकि गल्फ का एक्सपीरियंस वाले लोग उतना मिलते कहाँ हैं, ठीक है, तो फ्रेशर ही लेती है, फ्रेशर उठाती है, ठीक है। तो आपके पास अगर बीटेक है, पॉलिटेक्निक है, तो आप डायरेक्ट सुपरविजन में लगाइए, ठीक है ना, फोरमैन में लगाइए। और एक चीज़ बताता हूँ कि फोरमैन और सुपरवाइजर में आने में यहाँ पे क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ आपका सैलरी, आपका समझ लीजिए कि अगर फोरमैन में भी आ रहे हैं तो 50,000 मिलेगा, कुवैत में आ रहे हैं, ठीक है, कुवैत में आ रहे हैं तो 50,000 कम से कम सैलरी मिलेगा, और सुपरवाइज़र में आ रहे हैं तो 80,000 से 1,00,000 रुपया तक आराम से कमाएंगे, ठीक है ना, सुपरवाइज़र में आ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ क्या हो गया? दूसरा लाभ ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जाएगा वो फर्स्ट टाइम में ही फोरमैन और सुपरवाइज़र का हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम में फोरमैन और सुपरवाइज़र का हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में आपको आने का रहेगा तो आप दूसरा कैटेगरी में नहीं आएंगे, फोरमैन और सुपरवाइज़र कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा लाभ है, समझ लीजिए कि आपका जो फैसिलिटी है यहाँ पे गल्फ में, मतलब कुवैत में आने के बाद से समझ लीजिए कि सिंगल रूम मिलेगा, उसमें 1 या 2 आदमी ही रहते हैं, समझ लीजिए, ठीक है, स्टाफ आप कहलाएंगे, स्टाफ में आपका 1 रूम रहेगा, उसमें 2 आदमी ही रहते हैं, नीचे वाला बेड मिलेगा, उसमें समझ लीजिए कि टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी टोटल व्यवस्था रहेगा, समझ लीजिए, अलमारी, ठीक है। और खाना भी जो रहेगा वो भी बेस्ट रहेगा, लेबर और स्टाफ का खाना बिल्कुल अलग रहता है, समझ लीजिए, खाना लेबर से बिल्कुल अलग रहेगा। लेबर मतलब समझ लीजिए कि पाइप फिटर, बेल्डर और डक फिटर, ये सब लेबर में ही आते हैं, ठीक है ना, ये नहीं कि केवल लेबर हेल्पर ही हुआ है क्योंकि ज़्यादा लोग समझते हैं कि लेबर मतलब हेल्पर ही है, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी है स्टाफ वाली वो फोरमैन से ऊपर की रहती है, फोरमैन, सुपरवाइजर, QC, सेफ्टी, ठीक है, ये सब लोग के लिए फैसिलिटी रहता है, ठीक है। और स्टाफ का बात ही अलग है, समझ लीजिए, साइट पे ही आपको केवल काम कराना रहेगा, पेपर वर्क करना रहेगा और डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, उसके बाद से थोड़ा सा, हाँ, कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा सा ले लीजिएगा, 1-2-3 महीने का कंप्यूटर का नॉलेज ले लीजिएगा, बेटर रहेगा, नहीं भी रहेगा तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, फोरमैन में है तो चलेगा, सुपरवाइजर में कंप्यूटर का कोर्स अनिवार्य है, समझिए, इसलिए कि थोड़ा बहुत टाइपिंग आपको करना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंटेशन आपको चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये सब अनिवार्य है, ठीक है ना। तो 2-3 महीने का कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सब करने के बाद से आप बिंदास आप डायरेक्ट फोरमैन या सुपरवाइज़र में लगाइए, और यहाँ पे आकर आप अच्छा सैलरी कमाइए, ठीक है, और फैसिलिटी भी आपका अच्छा रहेगा। फ्रेंड, मेरा यही उम्मीद रहता है, मैं अपने तरफ से यही आशा करता हूँ कि कोई भी हमारे भाई जो पढ़े लिखे हैं वो लेबर में ना आए,
ठीक है ना, आए तो डायरेक्ट स्टाफ में ही आए समझ लीजिए, मेरा यही मानना है। खासतौर में इंडियन भाई लोग के लिए मैं ज़्यादा सोचता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और मैं भी इंडियन हूँ तो ये हमारा फ़र्ज बनता है समझ लीजिए कि हम एक दूसरे का हेल्प करें, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट स्टाफ में ही आएगा, अगर पॉलिटेक्निक किए हैं, बीटेक किए हैं, इतना पैसा लगाए हैं, बीटेक करने में 5 लाख 10 लाख रुपया लगता है, पॉलिटेक्निक करने में 2-3 लाख रुपया लगता है, तो मान लीजिए कि इतना पैसा अगर लगाए हैं तो आप स्टाफ में ही आइएगा, ठीक है, स्टाफ में आइएगा कि आगे के लिए आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, आज के लिए गुड बाय।